हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स ना, आज फ्राइडे था और मैं पूरा दिन बिजी थी कि रात को मेरा लेट काम हुआ और मैं थोड़ा सुबह में लेट उठी, तो फिर इतना लेट हो गया, हर काम के लिए लेट हो गया, मतलब से खाना बनाने में, नमाज में, सब में लेट होते गया। तो कोई नहीं, मैंने आज सुबह से ना फिर कैमरा उठाया ही नहीं वीडियो शूट के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह मैं डेली रहूँगी अपने व्लॉगों के साथ, आपसे मिलती रहूँगी, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं शॉप पर जा रही हूँ, तैयार होगी तो निकलते निकलते आपसे बात भी कर लेती हूँ और व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं तैयार हो गई और अध्ययन भी तैयार हो गया, और अध्ययन का जो है ना मशीन में ना पैन का ना जो हुक होता है ना वो टूट गया, और मैंने उसको रखने के लिए दिया था और अभी वो ढूंढ रहा है। आपको बताती हूँ, उसको कभी भी कुछ भी चीज दिए ना वो खराब ही करता है। यहाँ पे उसने सब ना सामान भी बिखराया है और ढूंढ रहा है उसको जो मिला नहीं। चलो अभी चलते, और साथ में ना मैंने अभी ये पैंट लिया था उसका रखना, लाइट्स ऑन करती हूँ, और ये ना पैंट अभी यही रखते है। ये मैंने टॉप लिया था तो जो मुझे बहुत ज्यादा फिट हो रहा है, एकदम बॉडी फिट आ रहा है, तो मैं सोची इसको भी चेंज कर लेती हूँ अभी जा ही रही हूँ। तो एक्चुअली मैं कल जाना है तो मैं सोची थी आज नहीं जाती, लेकिन क्या है ना हर वीक में जाने की आदत सी हो गई, देखो है ना जाने की आदत सी हो गई है, क्योंकि काफी अच्छा मार्केट बन जाता है मेरे लाइफ ऑफ करती हूँ, क्योंकि काफी लेट हो रहा है, क्योंकि जाकर फायदा नहीं है अगर लेट हो गया तो मैं जल्दी पहले निकलती हूँ, तो निकलते निकलते आपसे बात करती हूँ। तो मार्केट है ना बहुत अच्छा चलता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भी दुकान के पास का जो है ना मार्केट दिखाती हूँ, क्योंकि जो नया दुकान हमने लिया है ना उसके आजू बाजू में बहुत अच्छा मार्केट बनता है, वो भी सब रास्ते पे ही होता है, लेकिन कुछ कुछ सामान बहुत अच्छा मिलता है, तो वो भी मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी निकलती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ शॉप में, तो आप जैसे देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं पुरानी वाली शॉप पे नहीं जाऊँगी, न्यू वाली जाऊँगी, क्योंकि जो मार्केट भरता है ना वो न्यू वाली शॉप के बाहर भरता है। तो ये मार्केट काफ़ी लेट भरता है 8 बजे के बाद, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी होती है वो बेचारे लोगों को बहुत परेशान करते, तो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट ही आती हूँ, और जब मैं आती हूँ तो ये भी मेरे साथ में आते हैं, क्योंकि इनको भी पूरे दिन भर का जो भी चेकआउट है वो करना होता है, जो भी हिसाब है वो देखना होता है। और साथ ही साथ मैं आपको दुकान भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जब आपको दिखाया था जब पूरा काम नहीं हुआ था, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अभी पूरा काम हो गया है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है शॉप, तो आप सब भी माशाल्लाह बोलिए और साथ ही साथ दुआ भी कीजिए कि अल्लाह हमारी रोज़ी में भी बरकत। और यहाँ पर है ना आपको थोड़ी सी लाइनिंग लग रही होंगी, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर है ना दो दो फ़ैन ऑन थे और मैंने वो बाद में देखा, तो फिर उसके बाद मैं जब शूट कर रही थी तो फिर मैंने फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, और अभी यहाँ पर इनका काम चालू है, उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे। और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर इतना साउंड था क्योंकि बैक साइड में ना शायद किसी का हल्दी फंक्शन था, तो बहुत सारे गाने बज रहे थे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलो मैं अभी ये चले गए, अब मैं आपको बताती हूँ बाहर का मार्केट किस तरह से भरा है, और आप साथ ही साथ आप इसकी नॉइज भी सुन लिए कि कितना सारा साउंड चालू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी नेक्स्ट डे है और मैं कल का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अभी किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए, तो सोचा कि आज मैं जो बना रही हूँ उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ जो है ना भजिया कढ़ी बना रही हूँ, और मुझे नहीं लगता मैंने इसकी रेसिपी आपसे कभी शेयर की, क्योंकि मैं ये बहुत कम बनाती हूँ। ऐसे तो हम लोग को पसंद है, लेकिन पता नहीं मैं इसे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा कर हम इसे जो है ना इमरजेंसी बेस पर मैं बनाती हूँ, जब मेरे पास टाइम कम रहता है तभी मैं बनाती हूँ, और मैं ना भजिया भी ना ज़्यादा करके रेडीमेड ही लेकर आती हूँ,
लेकिन आज मैं सोचा कि आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो क्यों ना भजिया भी मैं बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे बेसन का जो भी आइटम फ्राई करती हूँ मैं खुद घर में, तो मुझे ओमिटिंग जैसा होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, लेकिन खास आपके लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना दो बड़े साइज़ में प्याज लिए और उसमें मैंने एक चम्मच हरी मिर्च पीसी हुई ऐड की है और थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, उसके बाद में एक चम्मच जीरा और एक चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं एक कप के करीब इसमें जो है ना बेसन ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये सब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स कर रही हूँ, तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। और ये जो है ना कड़ी वाला भजिया है, तो इसमें जो है ना बेसन ज़्यादा होता है और कांदा कम होता है, और नॉर्मल हम जो भजिया बनाते हैं उसमें कांदा ज़्यादा होता है और जो है ना बेसन कम होता है, तो वो खाने में कुरकुरे लगते हैं, लेकिन ये जो भजिया है ये थोड़ा फुला फुला सा होता है, तो इसलिए हमने इसमें जो है ना बेसन ज़्यादा डाला है और प्याज को जो है ना कम रखा है। तो अब मैं इसको ना 10 मिनट के लिए ना साइड में रखूँगी, जिसकी वजह से ना ये अच्छे से फुले फुले फ्राई होंगे। तो जब तक कि ये हम 10 मिनट तक साइड में रखते हैं, जब तक मैं जो है ना कढ़ाई में तेल ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से गर्म करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ना कढ़ाई का जो मेरा तेल है वो गर्म हो गया है, और आप ये देख सकते हैं ये भी कितने अच्छे से मतलब मिक्स हो गए एक दूसरे में। तो अब मैं एक एक करके इसको उसमें ऐड करूँगी तेल में और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसे दो जो है ना दो बार में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन क्या है ना वो एक दूसरे में जॉइंट हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ना खुले खुले ही डालना चाहिए ताकि वो एक दूसरे में जॉइंट ना हो। और ये जो है ना हमारा कढ़ाई वाले भजिए है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना इनको फूलने के लिए जगह देनी होती है, क्योंकि ये थोड़े फूले फूले से ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इसको दो टाइम करके फ्राई कर लूँगी। और हमें जो है ना इन्हें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा ना, ये अंदर से तो फ्राई हो जाए, सॉरी ये बाहर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से ना कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं जो है ना गैस का फ्लेम है ना कभी थोड़ा हाई कर लेती हूँ, कभी मीडियम कर लेती हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से इनको फ्राई कीजिए, और मैं इनको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते इस तरह से उनका कलर होना चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, तभी जाके वो अंदर से फ्राई। तो अब ये जो मेरा पहला टर्न है ये हो गया है, तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और फिर मैं उसको दूसरी दोबारा से मतलब और फ्राई कर लूँगी, जो मेरा बाकी बच गया है उनको मैं दोबारा से फ्राई कर लूँगी। और मेरा जो तेल है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो क्या हो रहा था ना बार जब मैं उसमें ऐड कर रही थी ना भजिया जो मिश्रण था भजिए का, तो क्या हो रहा था ना तेल मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। तो वो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि तेल जो है ना ज़्यादा गर्म ना करे। यहाँ पर आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हल्का हल्का सा जो तेल है ना मेरे हाथ पर उड़ रहा था इस टाइम पर। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा कम दही लिया, और आप देख सकते हैं मैं इसको कितने अच्छे तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो हमें इसमें ना एक भी लम्स जो है ना वो नहीं रहने देना है, तो इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब कि फेंट लेना है, और फिर उसके बाद हमने इसमें ना बेसन ऐड कर देना है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी में इसमें बेसन ऐड किया है। तो अगेन मैं आपको यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी कि आपके फैमिली में जितने मेंबर है उसके हिसाब से आप इनकी क्वांटिटी लें, क्योंकि हम लोग के फैमिली मेंबर सिर्फ 3 हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही क्वान्टिटी मेरे लिए काफ़ी हो जाएंगी, क्योंकि जब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे तो ये मतलब अच्छी खासी ग्रेवी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहती। और क्या होता है ना, अगर हम इसको इसी तरह से डाल देते हैं ना, तो जो जब तड़का देते हैं ना तो एकदम गाढ़ा सा होता है। अगर हम पहले ही थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे तो फिर वो जो है ना गाढ़ा नहीं रहता। और साथ ही मैंने यहीं पर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है, आप चाहे तो तड़के के टाइम पे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको तड़का लगाने वाले हैं, तो जिसमें मैंने एक जो है ना जर्मन की कढ़ाई में
इस तरह से तेल लिया है और वो गरम हो जाएगा, तो उसके बाद मैं उसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा और राई का तड़का दे दूंगी और फिर उसके बाद मैं उसमें 1 चम्मच के करीब पिसी हुई जो है ना हरी मिर्च डालूंगी। तो इसमें जो है ना पिसी हुई हरी मिर्च का ही टेस्ट अच्छा आता है, आप कट करके भी डाल सकते, लेकिन मुझे अपने घर से आदत थी, मम्मी के घर से, कि हम लोग जो है ना पिसी हुई हरी मिर्च ही इसमें ऐड करते थे। तो अब इसमें इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने जो बेसन का और दही का मिश्रण बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड कर दिया और वो बिल्कुल भी एक जगह नहीं जमा। अगर हम इसमें पानी नहीं डालते तो वो एकदम गाढ़ा सा हो जाता, तो फिर भी आप देख सकते हैं क्या पानी डालने के बाद भी हल्का सा ये गाढ़ा हुआ है। तो मैं जल्दी से इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ना मेरे पास जो है ना हरा धनिया नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड है, आप इसको ज़रूर इसमें ऐड करें, जिसकी वजह से इस को अच्छे से गार्निशिंग भी होता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगेन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ा सा नमक इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर जो है मैं इसको जो है फास्ट फ्लेम पर पका रही हूँ ताकि इसमें जल्दी से वो जो है ना उबाल आ जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हम जो भजिया इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो अब मैंने इसमें हल्का सा वापस से नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसमें नमक कम है। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और उसको अब मैं जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक के पका लूँगी हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से जो है ना उबाल आने लगा है, मतलब से जोश आने लगा है। तो जिस तरह से हमारे दूध को उबाल आता है उसी तरह से इसमें भी उबाल आता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद में एक एक करके इसमें जो है ना भजिया ऐड कर दूँगी। देन अगेन हमें इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसमें वापस से हल्का सा उबाल ना आए। फिर अगर इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हमें गैस का जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देना है और इसी स्टेज पे जो है ना आपको इसमें हरा धनिया डालना है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने नहीं डाला। और ये जो है ना चावल के साथ बड़ा यम्मी लगती है ये कड़ी, तो आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये खाने के टाइम पर बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। तो मैंने और इन्होंने चपाती के साथ खाया और आधी आधी सी फ्राइज के साथ खाया। अभी हो रहे हैं शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में चाय पीने के लिए। और जब मैं शाम की चाय पीती हूँ ना तो मुझे ना थोड़ी देर के बाद ना मुँह में से ना खटासी फील होती है और हमेशा सोचती हूँ कि शाम की चाय अवॉइड करूँ, लेकिन चाय बिना तो मुझे जमता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो सोप होती है ना उसको भून कर रख देती हूँ। तो आज ही मैंने इसको भून कर रखा है, तो शाम की चाय पीने के बाद फिर थोड़े टाइम से मैं यहाँ पर सोप खा लेती हूँ। और आज अध्ययन का कल मैथ्स का पेपर है तो उसकी स्टडी चढ़। वेलकम फ्रेंड्स, तो अभी मैं जस्ट नमाज़ पढ़कर बैठी हूँ, उसके पहले मैंने चाय बनाई, अभी चाय पीना बाकी है, थोड़ी ज़्यादा ही गर्म है तो मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ। और ना क्या हुआ ना, मैं खाना खा के इतना नींद आ रही थी तो मैं थोड़ा सो गई थी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा भी ऐसा सोया लग रहा है। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं सोई, 10-15 मिनट ही सोई, लेकिन फिर भी चेहरा ना इन दिनों ना ज़्यादा नींद आती है और ऐसा लगता है थोड़ा भी सोया ना तो ऐसा लगता है बहुत सो गया। और अच्छे में ना बहुत सोने के लिए मन कर रहा था, लेकिन असर की नमाज़ का टाइम हुआ था और मैं बोली चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अध्ययन की स्टडी भी लेना है। और मैं सोई थी तब तक भी मैंने अध्ययन को है ना लिखने के लिए दिया था और अभी मैं खुद उसको लेकर बैठने वाली हूँ, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलो पहले नहीं कि चाय पी लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो अध्ययन है ना स्टडी कर रहा है, तो अभी मैं उसको वही बोली कि चाय के साथ कुछ खा ले और फिर तो नहीं कि उसके बाद स्टडी कर, तो मैं उसने जो किया है उसका मैं रिविजन करवाऊंगी। बेटा सलाम तो करो, क्या कर रहे थे आप? मम्मा सोई थी तो। कौन सा पेपर है? मैथ्स का पेपर है, अध्ययन का मैथ्स का पेपर है, उसका सेकंड लास्ट पेपर है ना उसके, ऐसे भी तो तेरे फोर्थ ही पेपर थे तो अभी उसका लास्ट वाला पेपर, सेकंड लास्ट वाला पेपर है, उसके बाद सिर्फ हिंदी का बाकी रहेगा है ना अध्ययन। और हम लोग को पढ़ाई करने के लिए बहुत घंटा लगता है, तो आप सब भी अध्ययन के लिए दुआ करें कि उसके एग्जाम्स अच्छे जाए और उसको अच्छे नंबर मिले है ना, अच्छे नंबर मिले ना। अध्ययन को अच्छे नंबर चाहिए ना, फर्स्ट आना चाहिए ना अध्ययन। चलो पहले आकर है ना चाय पी लो, ये लो तुम्हारी चाय मैंने रखी है, चाय के साथ बिस्किट भी खा लेना ओके। और फिर उसके बाद अपन स्टडी करते ठीक है, फिर मुझे फिर वापस से नमाज भी पढ़ने की रहेगी ना। चलो आ जाओ, चलो बेटा चाय ले लो। चलो इतनी बिजी थी कि मेरे मतलब आप देख ही सकते हैं कि मेरे चेहरे पे कितनी थकान है, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए। इंशाल्लाह से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग डालूंगी, तो अब इंशाल्लाह से रमजान प्रिपरेशन के बहुत सारे व्लॉग है जो मैं एडिट करके डालूंगी।
तो चलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। ये व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में रमजान स्पेशल रेसिपीज के साथ मैं आपको मिलूंगी। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। आप प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।